हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये 3 HP का मोटर है, V6 3 HP 3 फेज, यही स्टार्टर है दोस्तों। स्टार्टर में दिक्कत आ रहा है कि जब भी हम स्टार्टर को ऑन करने जाते हैं तो ऑटो और मैनुअल दो वो काम नहीं करती है दोस्तों। बाईपास में ही ये स्टार्टर ऑन होती है, ऑटो और मैनुअल पे ये ऑन नहीं हो पाती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए अभी ये बाईपास पे है, ये बाईपास पे सेटिंग है दोस्तों, ऑटो और मैनुअल क्यों नहीं काम कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए ऊपर की साइड हो गया, ये ऑटो हो गया, ऑटो लिखा हुआ है, और 0 पे कर देंगे तो मैनुअल लिखा हुआ है बीच में, और नीचे कर देंगे तो बाईपास लिखा हुआ है नीचे। देखिए दोस्तों बाईपास में बहुत कम मोटर को चलाया जाता है, ना के बराबर हम मोटर को चलाते हैं बाईपास में। देखिए मैनुअल पे हम स्टार्ट कर रहे हैं मोटर को, स्टार्ट होती है या नहीं होती है। देखिए दोस्तों मोटर ये स्टार्ट नहीं हुई, मैनुअल तो कर चुके हैं मगर ये मोटर स्टार्ट नहीं हुई दोस्तों। अब हम ऑटो पे कर कर देखेंगे। देखिए दोस्तों ऑटो पे भी स्टार्ट नहीं हुई, बाईपास पे अब हम स्टार्ट करेंगे। बाईपास के मतलब डायरेक्ट हो गया दोस्तों। देखिए ये स्टार्टर ऑन हो चुकी है, अब मोटर से पानी भी आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। भैया का बोलना है कि हम बाईपास नहीं चलाएंगे, हमारा जो स्टार्टर है ठीक कर दीजिए। सही है दोस्तों, मोटर अच्छा एम्पियर लेकर चल रही है, बाईपास पे नहीं चलाना चाहिए कोई भी 3 फेज का मोटर हो। आप ठीक करवा लीजिए, नहीं तो 200-400 के चलते बहुत हानि पहुंच सकती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक ऑटो कॉटो हम लेकर आए हैं सेट करने के लिए, बंद कर दिए स्टार्टर को। इसको कैसे सेट करते हैं, मान लीजिए कि आपका जो ऑटो कट है तार कट गया कहीं से, या कोई ऑटो कट नहीं है, तो इस ऑटो कटो को कैसे सेट करेंगे, इसमें कैसे सेट करना चाहिए दोस्तों। अगर आपका स्टार्टर में ऑटो कट हो या ना हो, 3 फेज का मोटर है ना, तो आप इस ऑटो कटो को सेट कर सकते हैं। इस ऑटो कटो को पूरा वायर, 6 वायर आती है दोस्तों इसके अंदर से निकल कर, रेड ब्लू येलो इसमें मेन लाइन जाती है दोस्तों, रेड येलो ब्लू, ये जो 3 तार है जो मेन सप्लाई आती है उसमें हम देंगे रेड येलो ब्लू को। अब बच गया 3 तार, एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ग्रीन है, ग्रीन मतलब हरा है दोस्तों। तो चलिए रेड ब्लू येलो को जो वायर है दोस्तों कसेंगे, या मेन लाइन में कसेंगे रेड और ब्लू येलो। तो देखिए दोस्तों ये 1 तार खोल लेंगे तभी हम कसेंगे। देखिए एक वायर को पहले खोलेंगे उस ऑटो कटो से, ब्लू वायर तो ब्लू ही कस देंगे, आप रेड भी कस सकते हैं, मेन लाइन जो आती है दोस्तों उसमें कोई भी लाइन हम दे सकते हैं, ब्लू रेड येलो ये 3 गुतार है दोस्तों, मेन सप्लाई जो आती है उसमें हम कसेंगे। मेन सप्लाई जो आती है मोटर वाला नहीं, जो पोल पे से हमारी मेन सप्लाई आती है 240 वोल्ट, उसमें हम देंगे 440। चलिए दोस्तों इस ब्लू वायर को हम हटा लेंगे, आ एक वो ब्लू वायर नयका में के लेकर हम कसेंगे दोस्तों, जो नया ऑटो कट है उसमें से लेकर हम कस देंगे। ऑटो कटो में से टोटल 6 वायर निकला है दोस्तों, इस 6 वायर को कहाँ कहाँ हमें कनेक्ट करना होती है, 3 जो वायर है रेड ब्लू येलो, इसको हम कनेक्ट करेंगे मेन सप्लाई में, जहाँ पर मेन सप्लाई हमारी आती है वहाँ पर हम सेट करेंगे। तो ब्लू वायर को सेट कर चुके हैं, आप चाहेंगे तो रेड को सेट कीजिए, येलो को सेट कीजिए। 3 जो तार है ये 3 तार मेन सप्लाई जो आती है उसमें हम देते हैं रेड येलो ब्लू, ध्यान दीजिए दोस्तों, रेड येलो ब्लू जो 3 तार है उसमें मेन सप्लाई जो आती है हमारी पोल पे से उसमें हम कनेक्ट करते हैं। देखिए कनेक्ट कर चुके हैं, अब हम जो है जो हरा स्विच है दोस्तों उसमें हम कनेक्ट करेंगे। कौन सा वायर कनेक्ट करेंगे, उजर अभू, और 2 गो वायर है जो हल्का ब्लैक कलर है उसको हम सेट करेंगे, एक गो ग्रीन कलर है दोस्तों जो कॉइल में आती है दोस्तों, देख सकते हैं नीचे की साइड दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए 2 तार इसमें दिए हैं स्विच में, हरा स्विच में, और 3 तार मेन सप्लाई में, 1 तार देखिए ये नीचे आया है, हाँ ग्रीन वायर, ये जाती है कहाँ पर, कॉइल में, कॉइल को ऑपरेट करने के लिए ये जाती है हरा वायर। तो चलिए दोस्तों इसको हम सेट कर चुके हैं, अब हम देखेंगे कि हमारी जो स्टार्टर है ऑटो मैनुअल बाईपास काम कर रही है नहीं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लाइट जला है, हरा
कलर का लाइट है दोस्तों, देख सकते हैं। ये भूख भाग करेगी तो हमारी जो है मोटर बाईपास पे चलेगी, ऑटो पे नहीं चलेगी, अब मैनुअल पे नहीं चलेगी। ये भूख भाग नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चालू कर चुके हैं, देखिए एम्पियर भी 8-9 एम्पियर लेकर ये मोटर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए देखिए पानी भी वही पानी है, अच्छा पानी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऑटो करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो ये स्टार्टर है ऑटो काम करती है या नहीं करती है। देखिए दोस्तों ऑटो कर चुके हैं, ऊपर की साइड ऑटो है दोस्तों, ऑटो कर चुके हैं। ऑटो का मतलब हो गया ये स्विच को हम दाबेंगे चालू हो जाने चाहिए। देखिए ब्लैक स्विच जो छोटा सा स्विच है उसको हम दाबे तो चालू हो गई, इसका मतलब कि हमारी जो स्टार्टर है ऑटो पे है। देखिए पानी भी हल्का बढ़ गया है दोस्तों। ऑटो अब मैनुअल दो गो पे आप चला सकते हैं इस स्टार्टर को, अब बाईपास पे नहीं चलाना चाहिए। इमरजेंसी पीरियड हम चलाते हैं दोस्तों बाईपास पे, अन्यथा बाईपास पे हम नहीं चलाते। देखिए दोस्तों ये बाईपास पे है, अभी ये ऑटो हो गया, ऑटो लिखा हुआ है और बीच वाला मैनुअल लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहीं दो गो पे चलाना चाहिए बाईपास पे, ना के बराबर हम मोटर को चलाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम 6 तार निकल कर आते, देखिए यहीं जो बत्ती है हारा भूख भक नहीं करना चाहिए, हारा जलना चाहिए और एकदम रेगुलर जलना चाहिए। अगर रेगुलर आपकी बत्ती जल रही है तो ऑटो या मैनुअल काम करेगी, अगर नहीं जल रही है तो अन्यथा काम नहीं करेगी दोस्तों, ये खराब ही हो जाती है। आप कैसे पता करेंगे कि ये खराब है?